26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आज पुलिस लाइन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। उसके बाद परेड ग्राउंड में परेड के दौरान सलामी ली और उनको शस्त्र की फायरिंग कर सलामी दी। इस दौरान जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा सहित जिले के सभी अधिकारीगण मौजूद थे और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छा कार्य किया था उनको केंद्रीय मंत्री ने सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा, औलख जी आज गणतंत्र दिवस के सुरक्षा का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गणतंत्रता दिवस के मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भारत की एकता, जिस तरह से हम इसको आज़ाद भारत के लिए हम लोगों ने जो भी उस समय संकल्प हमारे देश में दिए गए थे लोगों द्वारा, आज उस भारत का पूरा संकल्प पूरा हुआ है कि हर वर्ग, हर आम व्यक्ति जो छोटी छोटी उनके साथ जुड़ी हुई समस्या होती थी, आज सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। चाहे वो स्वच्छता को लेके हुआ, शौचालय को लेके हुआ, जनधन औषधि के उसमें हुआ, चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत हुआ, चाहे आयुष्मान भाव उसमें हुआ, आज राष्ट्र का सपना पूरा होता हुआ आज हर व्यक्ति अपने आँखों में देखा। अच्छा, कुंभ को लेकर के भी आपने तारीफ करी है और सपा के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा, आजम खान, उन्होंने कहा कि कुंभ में जो है टॉयलेट में पानी तक नहीं है और खर्चा जो है पाँच गुना ज़्यादा किया गया है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐतिहासिक कुंभ, आप अपनी आंखों से, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति वहाँ पर जाए। जिस तरह से इस बार कुंभ की व्यवस्था हुई, शुद्ध पानी, हर तरीके की सुविधा, और मेरे इतिहास में पहली दफा होगा कि बाहर के लोग, प्रवासी आप कुंभ का स्नान करने, कुंभ को देखने के लिए आ रहे और उसमें स्नान करने के लिए।